पिछले कई हफ्तों से आईपीएल ऑक्शन की खूब चर्चाएं हो रही थी और अब आखिरकार आईपीएल 2024 के लिए आयोजित किया गया मिनी ऑक्शन खत्म हो चुका है। इस बार के मिनी ऑक्शन में पुराने सभी ऑक्शन के कई रिकॉर्ड तोड़ने वाली बोलियां भी लगी हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा है और वहीं पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा है। हालांकि इस बार के ऑक्शन में बिके 10 सबसे महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट में भारत के 2 अनकैप्ड खिलाड़ी भी शामिल हैं। इस लिस्ट में समीर रिजवी नाम का एक खिलाड़ी शामिल है जिसका बेस्ट प्राइस सिर्फ 20 लाख रुपए था। इस खिलाड़ी के नाम पर बोली लगाने की शुरुआत चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस ने की थी। अंत में दिल्ली कैपिटल ने भी 2 बार बोली लगाई, लेकिन चेन्नई सुपर किंग की टीम समीर रिजवी को अपनी टीम में शामिल करने का पूरा मन बनाकर आई थी, सो इसलिए चेन्नई सुपर किंग रिजवी को अपनी टीम में शामिल कर लेती है। इस लिस्ट में दूसरा नाम शाहरुख खान का है, जो इस बार के मिनी ऑक्शन में बिके 10 सबसे महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल है। ऑक्शन में इस खिलाड़ी को पंजाब किंग्स ने दोबारा खरीदने की कोशिश की, लेकिन अंत में गुजरात टाइटंस ने 7.40 करोड़ रुपए में इस खिलाड़ी को खरीद लिया था। जी हाँ दोस्तों, अब मिनी ऑक्शन खत्म हो चुका है और अब शुरुआत होने वाली है आईपीएल 2024 की। तो देखते हैं आईपीएल 2024 की शुरुआत कब से होती है।